Hello everyone. Let's take this problem. This says that this is design a Turing machine to recognize all strings consisting of an odd number of A's. तो ये क्वेश्चन AKTU के 2016-17 में पूछा गया था. अगर आप ये देखें कि ये जो स्ट्रिंग्स पूछा जा रहा है या ये जो ट्यूरिंग मशीन पूछा जा रहा है जिस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए उसमें ऑड नंबर ऑफ एज हैं. इसका मतलब क्या है कि इसमें एक ए हो सकता है, 3 ए हो सकता है, 5 ए हो सकता है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ. तो लास्ट लेक्चर अगर आपने मेरा देखा होगा तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले किसी भी रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया था, एंड देन हमने उसको ट्यूरिंग मशीन में कन्वर्ट किया था. तो ऐसा ही काम हम यहाँ पे करेंगे. पहले इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा इस रेगुलर लैंग्वेज के लिए. सो दैट विल बी ए देन फॉलोड बाई ए स्टार. तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. फाइनाइट ऑटोमेटा इसका कैसे बनेगा, सो लेट्स से वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द Q0 स्टेट. अगर मुझे सिंगल ए मिलता है तो मैं Q1 स्टेट में जाता हूँ और यही मेरा फाइनल स्टेट होगा क्योंकि सिंगल ए एक्सेप्ट होना चाहिए. फिर मेरे पास 3 ए आते हैं तो मैं Q1 से Q0 स्टेट में आता हूँ, देन अगेन Q0 से Q1 स्टेट में आता हूँ. तो इस तरह से 3 ए एक्सेप्ट हो जाएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ. 5 ए भी इसी तरह से एक्सेप्ट हो जाएंगे. अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है ट्यूरिंग मशीन में तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो दिस इज Q0 स्टेट. मान लेंगे कि हमारे पास एक टेप है, टेप में ए है, ए है और ए है, इसके बाद ब्लैंक्स है. तो अगर मुझे ए मिलेगा तो मैं उसको ए ही छोड़ के राइट की तरफ मूव करूंगा. तो करंट कंट्रोलर मेरा यहाँ पे है, इसको ए छोड़ के मैं राइट की तरफ गया. लेट से ये Q1 स्टेट है और इसके बाद फिर मुझे एक ए और मिला, मैं इस Q0 स्टेट में आ जाऊँगा. सो मुझे ए मिला, मैं इसको ए ही छोड़ के राइट की तरफ मूव करता हूँ. एंड देन अगेन एक ए मिलता है, मैं Q0 से Q1 स्टेट में जाता हूँ उसको ए छोड़ते हुए टेप पे. इसके बाद मुझे ब्लैंक मिलेगा और ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के जब हम राइट की तरफ जाएंगे तो हम इसको एक्सेप्ट कर रहे होंगे. लेट्स से दिस इज द फाइनल स्टेट. तो ये जो हमने ट्यूरिंग मशीन बनाया है, इस ट्यूरिंग मशीन में आप देख सकते हैं कि जो मूवमेंट है मेरा वो सारा राइट की तरफ है. ए ए राइट, ए ए राइट, ब्लैंक ब्लैंक राइट. तो यूजली जो हम ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए उसमें मूवमेंट्स जो होगा अगर हमारा राइट की तरफ ही होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स.